हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं तो अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे एक हाई लेवल पे ले जा सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रक कर जाते हैं और हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, लेकिन हमें वहां पे रास्ते नहीं मिल पाते। हम ये नहीं जान पाते कि हम अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेल को इंक्रीज करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है कि उसको क्या जरूरतें हैं, क्या प्रोडक्ट उसके पास चलता है, क्या डिमांड में रहता है, किस तरह के पेशेंट उसके पास आते हैं। दूसरे मार्केट प्लान की तरह यहाँ पे भी इन तरीकों में भी आपको कुछ कॉस्ट कर सकता है, कुछ पैसे आपके यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये सेल इंक्रीज करने में बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। हर कस्टमर अपने आप में यूनिक होता है, तो जो आपका प्लान रहेगा, जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, उसको आपको बहुत ध्यान से लागू करने की जरूरत है, नहीं तो ये यूजलेस रहेगी आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटजी एक कस्टमर के लिए कामयाब है वो दूसरे कस्टमर के लिए भी होगी। तो आपको अपना होमवर्क बहुत ध्यान से करने की जरूरत है और उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है। तो जो सबसे पहला तरीका रहता है वो है आइडेंटिफाई बेस्ट सेल प्रोडक्ट्स। तो जो मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं, लेटेस्ट मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं, उन पर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो फ्यूचर में आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्या ऐसे प्रोडक्ट है जो अभी आपके लिए अच्छे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये आपकी सेल को इंक्रीज करने में काफी यूजफुल रहते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो है मार्केट गैप। हमेशा ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, उनकी डिमांड होती है लेकिन वो किसी के पास नहीं होते या बहुत कम सप्लायर उनके रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, अगर आप उस मार्केट गैप को फिल करते हो, उन प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हो, तो वो भी आपकी सेल को इंक्रीज करने का बड़ा अच्छा एक यूजफुल तरीका हो सकता है। इसके अलावा आप ऑन डिमांड प्रोडक्ट भी दे सकते हो, आप कस्टमर की नीड जान सकते हो कि उसको क्या चाहिए, और अगर आप उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने में कैपेबल हो तो आप उसको प्रोवाइड करा के अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं वो है इंक्रीज प्रोडक्ट वेरायटी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी आयुर्वेदिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेल को इंक्रीज करने का। हो सकता है कि आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज हो प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आप नए प्रोडक्ट चूज कर सकते हो या जो आपके पास अभी अवेलेबल है उन्हीं में आप वैरायटी बढ़ा सकते हो। हो सकता है कि आपके पास ऑर्थो का सिरप हो तो आप पेन ऑयल ला सकते हो, कैप्सूल ला सकते हो, ऑइंटमेंट ला सकते हो, तो वहां पे भी अगर आप वैरायटी भी इंक्रीज करोगे या कोई नए प्रोडक्ट जो आपके पास नहीं है उनको भी इंक्रीज करोगे तो भी आपकी सेल बढ़ने के वहां पे चांसेस रहते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो है एड ऑन। एड ऑन का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी ग्राहक आपसे एक प्रोडक्ट ले रहा है तो आप उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो सपोज के लिए मानते हैं कि कोई एक आपका कस्टमर है जो आपसे एक प्रोडक्ट ए खरीद रहा है, तो आप अपना जो प्रोडक्ट बी है उसको पुश कर सकते हो, और जो आपको लगता है कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो आप पुश कर सकते हो कि आप इसको भी खरीदो या एज ए फ्री सैंपल आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो साथ में, ताकि वो उसको यूज करे, उसके रिजल्ट आए उसको, तो वो आपसे वो डिमांड करे। तो ये भी आपकी सेल को इंक्रीज करने का काफी यूजफुल तरीका हो सकता है। अगली बात करते हैं वो है मैनेज इन्वेंटरी। अगर हम अपने कंपनी की इंटरनल डाटा की बात करते हैं तो जो स्टॉक है, अगर आपके पास स्टॉक है तो वो आपके सेल में 15-25% के आसपास का डिफरेंस डाल देता है। अगर आपके पास शॉर्ट है प्रोडक्ट तो आपकी 15-25% के आसपास की सेल डाउन होगी, लेकिन अगर आप मैनेज करके रखते हो अपने स्टॉक को, आपके पास हमेशा स्टॉक रहता है, तो आपकी सेल 15-25% तक इंक्रीज हो सकती है। अगर आप आइटम को शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो एक शॉर्ट सप्लाई हो कि आपने कम माल भेजा है, लेकिन लंबे टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट भी वहां पर रिप्लेस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन भी वहां पर डैमेज हो सकती है। तो अगर आप इन्वेंट्री को अच्छी तरह मैनेज रखोगे, अपना स्टॉक हमेशा फुलफिल रखोगे, तो आपकी सेल ऑटोमेटिक ही 15-25% इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वो है स्कीम और ऑफर्स। स्कीम और ऑफर्स सेल को इंक्रीज करने में बहुत ही यूजफुल रहते हैं। सपोज करो आपका एक कस्टमर आपसे 5 पीस लेता है, लेकिन अगर आपने 11+1 की स्कीम वहां पे रखते हो तो आप उसको थोड़ा सा पुशअप कर सकते हो कि आप 11 पीस लीजिए, वहां पे आपको 1 पीस फ्री मिलेगा, तो वो भी थोड़ा सा उसको भी थोड़ा बेनिफिट होगा वहां पे 1 पीस को, और आपको भी सेल का वहां पे बेनिफिट होगा, थोड़ा सा आपके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है, लेकिन वहां पे आपकी सेल इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। लास्ट लेकिन लिस्ट नहीं है उसकी बात करते हैं तो वो है इंप्रूव कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, तो वो आपसे ही खरीदना पसंद करेगा दूसरों के मुकाबले।
कस्टमर सर्विस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे ये ह्यूमन बॉडी पे काम करता है, कैसे ये डिजीज को क्योर कर सकता है, आप उसको टाइमली सप्लाई कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आप यूज कर सकते हो एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो भी आपकी सेल इंक्रीज करने में बहुत उपयोगी रहेगा। तो टेक अवे इस वीडियो से यही रहेगा कि अगर आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन से आपके बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे, आप मार्केट गैप को फिल करते हो, आप अच्छी वैरायटी रखते हो, आप एड ऑन पे ध्यान देते हो, इन्वेंट्री मैनेज करते हो, आप अच्छी स्कीम और ऑफर्स के साथ होते हो और एक बेस्ट कस्टमर सर्विस देते हो, तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।